Find the weight of a stone on the surface of the earth if its mass is 20 kg. तो क्वेश्चन में कहा है कि अर्थ सरफेस पर रखे किसी स्टोन का वेट कितना होगा यदि उसका मास 20 kg हो. ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि एक ये अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर कोई स्टोन रखा हुआ है और स्टोन का जो मास है m की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 kg. ठीक है, और कहते हैं कि बताइए इसके ऊपर लगने वाला जो वेट है वो कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है. तो वेट निकालने के लिए वेट का फॉर्मूला W इज इक्वल टू क्या होता है mg. ठीक है, ये फॉर्मूला वेट निकालने का, तो W इज इक्वल टू m, m तो दे ही रखा है, मास kg में होना चाहिए, kg में दे रखा है, तो ये रख दिया हमने कितना 20 इंटू जी. जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और नीचे की ओर जबकि ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में कोई चीज नीचे हो तो उस पर ग्रेविटी जो है अर्थ के ऊपर वो अगर नहीं दे रखी है, मतलब हमको नहीं दे रखे कि जी की वैल्यू कितनी है, तो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है. इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में बना लीजिए कि जी की वैल्यू क्या है अर्थ सरफेस पर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. या तो आपको लिखा हुआ देंगे ऐसे जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आपको नहीं दिया है तो आप खुद ही रख दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 9.8. ठीक है, वेट निकालने हैं, वेट की जो यूनिट है वो क्या है न्यूटन, तो यहाँ न्यूटन में आंसर आएगा. अब इसे सॉल्व करें तो ये हो जाता है 20 इंटू पॉइंट को हटाएं तो ये हो जाएगा 98 अपॉन पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ये 10, और जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या 2 इंटू 98 न्यूटन मीन्स 196 न्यूटन. ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया.